फिल्म की शुरुआत में अकीरा और रियो दो बच्चे मॉन्स्टर का मास्क पहनकर मॉन्स्टर्स की फोटो देख रहे होते हैं, जिसके बाद हमें कुछ साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहां अब अकीरा और रियो बड़े हो चुके थे और वो दोनों दौड़ लगा रहे थे, लेकिन अकीरा भागते हुए गिर जाता है, जिस पर रियो उसे फिर से कोशिश करने को कहता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। अकीरा अब अपने मन में कहता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन रियो जैसा नहीं बन पाऊंगा, वो हर चीज में मुझसे आगे है और हर मुसीबत में मेरे साथ खड़े रहता है, जिसके बाद वो वहाँ से घर आता है। दरअसल अकीरा जब छोटा था तभी उसके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब वो अपने अंकल आंटी और उनकी बेटी मिकी के साथ रहता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। वहीं अगले दिन स्कूल के कुछ लोग अकीरा को मार रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि रियो को बोल देना कि आगे से वो हमें परेशान ना करे, वरना मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा। पर तभी वहाँ एक लड़का यूशु को आकर उन लड़कों से कहता है कि तुम गलत इंसान से झगड़ रहे हो, रियो को पता चला कि तुमने अकीरा को मारा तो वो तुम्हारी जान ले लेगा, एक बार मेरा भी अकीरा से झगड़ा हो गया था और जब रियो को पता चला तो उसने क्लास के अंदर आकर कैंची से मेरी उंगली काट दिया, वो तो अकीरा ने उसे अंत में रोक दिया वरना वो मुझे मार ही डालता, जो सुनकर वो लड़के एकदम घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में कुछ लड़कियां एक लड़की मीकू को परेशान कर रहे होते हैं कि तभी वहां मिकी आकर उन लड़कियों से मीकू को बचाती है। वहीं अगले सीन में रियो अकीरा से कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो अकीरा को एक वीआर देता है जिसके अंदर एक वीडियो थी और उस वीडियो में रियो के पिता जो एक साइंटिस्ट थे वो कहते नजर आते हैं कि हमने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है जिसकी मदद से लाखों सालों की एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, पर वहीं हम गलत भी थे कि वो सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है जो अब इंसानों के अंदर समाकर उन्हें शैतान बना रहा है। हमने इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया पर तब तक यहाँ के हजारों लोगों को उन शैतानों ने पकड़ लिया और वो इंस्टीट्यूट के बाहर भी चला गया जो पूरी दुनिया में फैल सकता है। इसके बाद अकीरा और रियो दोनों इंस्टीट्यूट में आते हैं जहाँ रियो के पिता एक कमरे के अंदर घिनौने क्रीचर के रूप में थे, जिसे देखकर अकीरा एकदम डर जाता है, पर रियो कहता है कि वो शैतान इनके अंदर चला गया है जिससे वो इन्फेक्टेड हो गए, और सिर्फ वो नहीं मैं भी उस शैतान से इन्फेक्टेड हूँ। फिर तभी एक अजीब सा छोटा क्रीचर अकीरा के अंदर भी घुस जाता है और अब अकीरा भी एक भयानक क्रीचर में बदल जाता है। रियो के पिता कहते हैं कि हमारा एमोन क्रीचर आ गया, लेकिन वो अकीरा की शक्ल देखकर समझ जाते हैं कि ये एमोन नहीं है और वो अकीरा पर हमला करने लगते हैं, पर अकीरा उन्हें मार कर वहीं ढेर कर देता है, जिसके बाद अब अकीरा अपने रूप में लौट जाता है, लेकिन अब भी उसके शरीर पर क्रीचर के कुछ निशान थे। वहीं रियो भी किसी तरह का एंजल बन चुका था। अकीरा रियो से कहता है कि अब मैं इंसान नहीं रहा, शैतान बन चुका हूँ, जिस पर रियो जवाब देता है कि तुम्हारे अंदर इंसान का दिल है इसलिए तुम पूरी तरह से शैतान नहीं हो, तुम एक डेविल मैन हो। अब अगले सीन में अकीरा अपने घर में बैठा होता है कि तभी कोई उसके घर की छत से उसे आवाज लगाता है और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ कोई एंजल थी। अकीरा उसे सवाल करता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो जवाब देती है कि मेरे साथ चलो तुम्हें पता चल जाएगा, और वो उसे इंस्टीट्यूट में आकर कहती है कि तुम भी इन्फेक्टेड होकर अब शैतान बन गए हो, जिस पर अकीरा जवाब देता है कि मैं पूरा शैतान नहीं हूँ। तो अब एंजल कहती है तो तुम अब मारे जाओगे, और अब वो अकीरा से लड़ने लगती है, जिसके बाद दोनों एकदम खतरनाक रूप में आ जाते हैं और उनके बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, पर अकीरा उसके सामने कमजोर पड़ जाता है और वो अकीरा के सीने पर वार करके उसे घायल कर देती है और अब उससे कहती है कि तुम उतने शक्तिशाली नहीं हो जितना एमोन है। फिर तभी वहाँ रियो आता है और अकीरा को इंस्टीट्यूट के बाहर लाकर उसे बताता है कि उस एंजल का नाम सिलेन है जो एमोन को पसंद करती है और वो उसे ही ढूंढ रही है, लेकिन तुम एमोन जैसे शक्तिशाली नहीं बने हो इसलिए वो चली गई, तुम्हें एमोन की शक्तियों को समझना होगा क्योंकि तुम ही एमोन हो। अब अगले दिन न्यूज चल रही होती है कि टोक्यो शहर में कई सारे भयानक जीवों को देखा गया है जो अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई देने लगे हैं। इसके बाद शहर के बीच एक आदमी किसी तरह के क्रीचर में बदल जाता है जिसे उशी को भी देख लेता है और वो एकदम घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। अब रात को जब अकीरा घर आ रहा होता है ही तभी उसे ईशोको की आवाज आती है जो उससे मदद मांग रहा था, जिसे ढूंढते हुए अकीरा एमोन बनकर जंगल में पहुंच जाता है जहाँ उसे कई सारे लोगों के सिर दिखाई देते हैं जिनके शरीर को किसी क्रीचर ने खा लिया था।
और अब उनका सिर ही बचा था जिसे वो धीरे धीरे खा रहा था। आखिर अब उन क्रिएचर्स को धमकी देता है कि तुमने कई लोगों को खा लिया इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और फिर वो उसे घूसा मारकर गिरा देता है। पर वो क्रिएचर अपने आखिरी समय में कहता है कि तुम शैतान होकर मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने इन्हें इसलिए मारा क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मैं सैतान की तरह नहीं हूँ जो इंसानों को खत्म करना चाहता है। और ये कहते ही वो क्रिएचर अपना दम तोड़ देता है। अब अगले दिन स्कूल की लड़कियां फिर से मीकू को परेशान करने लगती है, लेकिन अब मीकू भी उस शैतान से इन्फेक्टेड हो चुकी थी इसलिए अब वो सभी उससे डर जाते हैं। और अब ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है जिससे स्कूल के सारे बच्चे स्कूल से बाहर भागने लगते हैं। फिर तब तक पुलिस भी आ जाती है और ये खबर मिलते ही आखिर अभी स्कूल जाता है, जहां मिक्की उसे कहती है कि मीकू शैतान नहीं है, वो इंसान की तरह है, और वो रो रही थी। अब अगले सीन में मीकू एक बिल्डिंग के नीचे लगे झूले के पास आकर झूलने लगती है। वहीं उसके बाजू में एक छोटा लड़का सुसुमो भी झूल रहा था। मीकू अब उससे सवाल करती है कि तुम घर के बाहर क्यों हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मेरे माता पिता किसी क्रिएचर में बदलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर तभी वहाँ सुसुमो की माँ आकर उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें न्यूज से पता चलता है कि टोक्यो की सरकार ने स्पेशल यूनिट बनाया है जो शैतानों से लड़ेंगे, और जिन पर भी शक होगा कि उनके अंदर शैतान है वो उसे वहीं मार देंगे। अब रात को रियो अकीरा के घर आकर उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। वो अकीरा को इंस्टीट्यूट के पास लाता है जहाँ स्पेशल यूनिट के लोग इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट को मार रहे थे। रियो अब अकीरा को गन देकर कहता है कि चलो हम जाकर वहाँ साइंटिस्ट और यूनिट दोनों को मार देंगे, लेकिन अकीरा मना कर देता है, जिस पर रियो अकेले गन लेकर सभी को मारने निकल पड़ता है। पर तभी एक क्रिएचर रियो से कहता है कि सैतान मुझे बचाओ, और ये बात अकीरा भी सुन लेता है जिससे वो समझ जाता है कि सैतान कोई और नहीं बल्कि रियो ही है। अब रियो यूनिट वालों को मारकर इंस्टीट्यूट के अंदर चले जाता है। वहीं अगले सीन में अकीरा अपने घर बैठा होता है और मन ही मन कहता है कि दुनिया का माहौल खराब हो गया है, लोग एक दूसरे को शैतान समझकर मारने लगे हैं। इसके बाद हमें फिर से न्यूज से पता चलता है कि टोक्यो में हवाई फायर करके पूरे शहर को बर्बाद कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। वहीं अगले दिन सुसुमो यूनिट वालों से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन सही समय पर मीकू आकर उसे बचा लेती है और वो दोनों एक टनल के रास्ते एस्केप कर जाते हैं। मीकू अब सुसुमो को लेकर मीकी के घर के सामने से गुजरती है कि तभी मीकी उसे देख लेती है और उन दोनों को अपने घर लाती है, पर ये सारी चीजें एक आदमी कैमरा से देख रहा होता है। घर के अंदर सभी मीकू और सुसुमो को खाने और रहने की जगह देते हैं। इसके बाद अगले दिन वही आदमी जिसने कैमरा से उन्हें देखा था वो एक और आदमी के साथ अकीरा के घर आकर उसके अंकल से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है इन्फेक्टेड को अपने घर में रखकर, हम अभी यूनिट वालों को यहाँ बुलाकर तुम सभी को पकड़वा देंगे, जो धमकी देने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब घर के अंदर आकर अकीरा के अंकल मीकू को चाबी देकर कहते हैं कि जहाँ मैं काम करता हूँ तुम दोनों वहाँ छिप सकते हो और हम तुम्हें बाद में लेने आएंगे क्योंकि किसी भी समय यहाँ यूनिट वाले आ सकते हैं, जिसके बाद मीकू और सुसुमो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब यूनिट वाले उनके घर में धावा बोल देते हैं और सभी को पकड़कर घर की तलाशी शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यूनिट वाले उनसे कहते हैं कि अगर यहाँ शैतान नहीं है तो तुम लोग ही शैतान होंगे, इसलिए तुम सभी को मारना होगा। और जब वो उन्हें मारने ही बढ़ता है कि तभी अकीरा अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर सारे यूनिट वाले एकदम से डर जाते हैं। मिक्की अब उनसे कहती है कि अकीरा शैतान नहीं है, पर यूनिट वाले अकीरा से कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा वरना तुम्हारे परिवार वालों को मार दिया जाएगा, जिसके कारण अकीरा को उनके साथ जाना पड़ता है। इसलिए अब वो सभी अकीरा को एक ट्रक से बांधकर ले जाते हैं और कहीं दूर ले जाकर उसे शूट कर देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि अकीरा मर गया, जिसके बाद वो उसे लाशों के ढेर में फेंक कर चले जाते हैं। पर तब तक पूरे एरिया वालों को पता चल जाता है कि अकीरा इन्फेक्टेड था, इसलिए अब वो सभी अकीरा के घर की तरफ ये कहते हुए बढ़ रहे थे कि अकीरा का घर शैतानों का घोंसला है और हम उसके घर के बाकी लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। वहीं अकीरा के अंकल को पता चल जाता है कि एरिया के लोग उन्हें मारने आ रहे हैं, जिसके कारण अब वो मिकी को एक चाकू देकर कहते हैं कि तुम अपने आप को ऊपर के कमरे में अलमारी के अंदर बंद कर लो और चाहे कुछ भी हो जाए तुम नीचे मत आना। इसके बाद एरिया के पूरे लोग उनके घर पर धावा बोल देते हैं और अकीरा के अंकल आंटी दोनों को पकड़कर मारने लगते हैं। और तभी
तभी उनमें से एक आदमी चाकू से आंटी और अंकल दोनों पर वार करता है, जिससे उनकी वही मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ मिकू और सुसुमु दोनों जैसे ही ट्रेन में चढ़ते हैं तो यूनिट वालों की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। यूनिट वालों से बचकर भागते हुए दोनों रेलवे स्टेशन के रूप पर चढ़ जाते हैं। वही घर के अंदर जिसने चाकू से अंकल आंटी को मारा था वो अब घर की तलाशी लेने लगता है, जहाँ उसे मिक्की भी मिल जाती है। पर जब बचाव में वो उस आदमी पर हमला करने ही वाली होती है कि वो आदमी उसका चाकू ले लेता है। अब वही मिकू और सुसुमी के पास आगे रास्ता ना होने के कारण वो दोनों रूफ से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन तभी मिकू अब किसी एंजल में बदल जाती है और वो दोनों नीचे आ जाते हैं। पर मिकू उड़कर फिर से ऊपर आ जाती है और एक कटाना लेकर सभी यूनिट वालों पर हमला करके उन्हें ढेर कर देती है। पर अब वही पूरे शहर को हवाई फायर से बर्बाद कर दिया जाता है और जो रिपोर्टर्स न्यूज बता रहा था अब वो खुद भी इन्फेक्टेड होकर शैतान बन जाता है। दूसरी तरफ अकीरा अब होश में आता है और वहां से अपने घर के लिए निकलता है, पर घर पहुंचकर उसे अपने अंकल आंटी की लाश मिलती है और वहां उसे मिकी का मोबाइल भी मिलता है जिसमें उसने अपना आखिरी वीडियो बनाया था। वीडियो से अकीरा को पता चलता है कि जिस आदमी ने उसकी अंकल आंटी को मारा उसने मिकी को भी मार दिया और वहीं अकीरा को मिकी का कटा हुआ सिर मिलता है जिससे वो एकदम टूट जाता है और अब मिकी के सर को लेकर चर्च आता है। पर तभी वहां रियो आता है और अब अकीरा उसे कहता है कि तुम ही शैतान हो और तुमने मुझे धोखा दिया है, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं पहले से ही सेटन था, मुझे हर एक इंसान से नफरत है, लेकिन तुमसे नहीं, मैं अपनी नई दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ तुम, मैं और बाकी शैतान रहेंगे। लेकिन इतने सारे इंसानों को मारना आसान नहीं था, पर वो शैतान जो एनर्जी से बना उसने लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तो लोग खुद ही एक दूसरे को मारने लगे और मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस पर अकीरा कहता है कि तुमने मेरे परिवार और हजारों निर्दोष इंसानों को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद अब अकीरा और रियो दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और अब दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन अकीरा के हर वार से रियो बच जाता है और रियो अकीरा को मार के दूर फेंक देता है। जिसके बाद रियो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है जिससे वहां की दीवार और जमीन टूटने लगती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है जिस धमाके की चपेट में आकर आधी दुनिया बर्बाद हो जाती है और रियो के लिए दुनिया के सारे क्रिएचर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और अब सबसे ऊपर रियो खड़ा हो जाता है। पर तभी वहां कई सारे और शैतान आने लगते हैं, लेकिन अब अकीरा अपने पूरे गुस्से में आ जाता है जिससे उसके भीतर से बहुत ही शक्तिशाली शक्ति निकलने लगती है, जिस शक्ति से वो सारे शैतानों को एक ही बार में खत्म कर देता है। जिसके बाद अब वो रियो की तरफ बढ़ता है, लेकिन अकीरा को देखकर रियो के आंख से आंसू निकल जाते हैं क्योंकि हमेशा से वो उसकी रक्षा करता था और आज वो ही उसे मारने आ रहा है। और जब अकीरा उसे मारने वाला ही होता है कि तभी रियो अपने पैर से अकीरा के पेट पर बहुत जोर से मारता है जिससे अकीरा नीचे गिरने लगता है और तभी उसे अपने बचपन का विजन भी आता है जहाँ अकीरा और रियो दोनों मिट्टी का किला बनाकर नदी के किनारे खेल रहे थे और जब बारिश के कारण वो किला गिरने वाला होता है तो दोनों मिलकर उस किला को बचाते हुए कहते हैं कि हम इसे बर्बाद होने नहीं देंगे और हमेशा एक साथ इस किले में रहेंगे। अब मूवी करंट सीन की तरफ मुड़ते हुए अब अकीरा नीचे गिर जाता है और उसका आधा शरीर जहाँ रियो ने पैर से मारा था वहाँ का हिस्सा गायब हो चुका होता है। रियो अब कहता है कि तुम मर नहीं सकते और बचपन की विजन के कारण अकीरा का गुस्सा अब खत्म हो जाता है, जो अब रियो से कहता है कि तुम जीवित रहो, मैं यही चाहता हूँ। पर फिर रियो जवाब देता है कि मैंने ये सब हमारे लिए ही किया था ताकि हम एक नई दुनिया में रह सके, पर अगर तुम ही जीवित नहीं रहोगे तो मेरा भी जीकर क्या फायदा। और तभी रियो के मुंह से खून बहने लगता है और अब वो अकीरा से कहता है कि मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, जो सुनकर अकीरा हंसने लगता है और उसकी मुस्कान देखते ही रियो भी खुश हो जाता है, जिसके बाद दोनों अपना दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ मिकू सुसुमु से कहती है कि अब बस हम दोनों ही बचे हैं और हमने मिकी से वादा किया था इसलिए हमें जीना होगा। जिसके बाद वो दोनों बर्बाद शहर को देख रहे होते हैं और इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।